जिनके साथ मौजूद है। और देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजभवन प्रवेश कर चुके हैं, इसके साथ ही कई जो विधायक है वो इस वक्त बाहर खड़े। देखिए तीन टूरिस्ट बस है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक हो जहाँ राजभवन पहुंच चुके हैं। देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो काफिला है वो फिलहाल राजभवन पहुंच चुका है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपरीत का साइन दिखाते हुए यहाँ से अंदर गए। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बातों का संकेत यहाँ पर दे रहे आसिया। इसके साथ ही देखिए किस तरीके से तमाम जो विधायक है सत्ता पक्ष के वो तीन टूरिस्ट गाड़ियों में यहाँ पर मौजूद है। ये लोग थोड़ी देर पहले ही अंदर गए हुए थे राजभवन और अब देखिए किस तरीके से तमाम जो विधायक है वो बाहर खड़े हुए हैं और लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। देखिए लगातार इसी चीज का हम लोग इंतजार कर रहे थे, इसी घड़ी का इंतजार कर रहे थे। देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर पहुंचते हैं, थम का साइन देते हैं और सीधा राजभवन के लिए अंदर जाते हैं। देखिए इनकी गाड़ियां जो है क्या अंदाजा लगाया जाए, अगर ईडी ने कोई कड़ा एक्शन लिया तो क्या वो ऐसे सीएम को राजभवन आने की अनुमति देगी? क्या सवालों के जवाब देने के बाद अब फ्री हो चुके हैं मुख्यमंत्री? अगर फ्री हो गए हैं तो राजभवन आने की जरूरत क्या पड़ी, क्या माना जाए इसको? जी देखिए ऐसे मेरी आवाज आपको पहुंच पा रही है क्या? करिश्मा आपके पास लौटेंगे, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। उदय इससे क्या समझा जाए, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं राजभवन, क्या ईडी ने उन्हें छोड़ दिया है या फिर वो इस्तीफा देने के लिए सशरीर यहां पर हाजिर होने का उन्होंने वक्त मांगा? बिल्कुल, देखिए अगर सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से सीधे गिरफ्तार कर लिया जाता तो ये एक संवैधानिक संकट की स्थिति कही जा सकती थी। अमूमन इससे पहले भी जब लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाला मामले में गिरफ्तारी हुई थी तो उन्हें पहले इस्तीफा देने को कहा गया था। अरे धर भी कुछ अपडेट है सारे धर भी। अरे हम लोग चल बाइक जरूरी है। नहीं, ये हमें कुछ नहीं बताया गया है, बिल्कुल तय हुआ चंपई सोरेन होंगे राज्य के नए मुख्यमंत्री। इस्तीफा दे दिए हैं, इस्तीफा देने पहुंचे हैं, अब इस्तीफा देंगे उसके बाद सारी बात। ये क्लियर हो गया है आसिया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे थे, मौजूद है और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है अम्बा जी भी आप कौन होगा? अम्बा जी इस्तीफा देने के लिए सीएम आए हैं क्या? तो देखिए सभी विधायकों को यहाँ पर रोका गया और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि राजेश ठाकुर ने स्पष्ट रूप से यहाँ पर कह दिया है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोई एक्सक्लूसिव नहीं होने जा रहा है, सिंपल है कि आदरणीय चंपई सोरेन जी नए मुख्यमंत्री के लिए तो हम लोग नाम प्रस्ताव कर रहे हैं, उन पर सहमति बनी है गठबंधन के सभी साथियों ने समर्थन दिया। बिल्कुल कार्रवाई हुई है, कोई कार्रवाई की बात नहीं है अभी तक, जो मेरी जो अभी तक मेरी जानकारी में है माननीय मुख्यमंत्री ने यह तय किया है कि हम इस्तीफा देंगे और हमारे जगह पर चंपई सोरेन जी का नाम हम लोग। किस तरह का संकट बनाया हुआ है आप देख रहे हैं, हम लोग सारे विधायकों को अंदर बुलाया गया, सारे हमारे विधायक अंदर गए फिर बाहर कर दिया गया, ये तो है। तो देखिए इनका कहना है कि विधायक जो है आप वो अंदर